अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब तासीर है। आज हम देखेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की जाती है, यानी कि स्ट्रेस को एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे कैसे फाइंड किया जा सकता है। यानी कि एक एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन है, तो उसको दूसरे एक्सिस पे कैसे फाइंड किया जा सकता है या उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उसको देखते हैं। ये फ़र्ज़ करें एक एक्सिस है हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्स के या किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग गिवन होंगे, तो दूसरे एक्सिस के हम कह पूछेगा वो क्वेश्चन में कि इतने एक्सिस के अबाउट उसको अगर एक्सिस को रोटेट किया जाए इतने एंगल पे, तो उस पर क्या स्ट्रेसेस की वैल्यू आएंगी, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करना एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे, तो वो देखेंगे आज हम। तो स्ट्रेस ये के गिवन है कि देखें एक पीस कोई ले लिया किसी भी मेंबर का, किसी भी बॉडी का एक पीस ले लिया, ठीक है, उसको 3 डायमेंशन में देख रहे हैं हम। तो उस पर जो नॉर्मल एक फेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग दी, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, और ये जो ऊपर जा रही है परपेंडिकुलर वी कैन से ये है शेयर स्ट्रेस बॉडी के साथ से जो लग रही है, ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस है अलोंग दी वाई एक्सिस के अलोंग है ये, और परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो होगी यहाँ से ये अलोंग जेड एक्सिस होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो ये भी शेयर स्ट्रेस है, ये दो शेयर स्ट्रेस हैं और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसी तरह हर इस पे लगेगी फेसिस पे, क्यूब के हर फेस पे लगेगी, तो इसको हमने फाइंड करना है। अब वो कहता है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव होगी कब, ये पॉजिटिव कब होगी जब ये टेंशन में होगी, मीन्स कि ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी ये क्यूब ये 2 डायमेंशन में देख रहे हैं इसको, अगर ये फोर्स ये बाहर की तरफ निकल रही है तो ये क्या है टेंशन है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जब टेंशन प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक्स जो है वो पॉजिटिव लूँगा मैं, ठीक है, और अगर ये कंप्रेसिव होगी तो ये नेगेटिव लूँगा मैं, ये साइन कन्वेंशन है। और अगर ये टा एक्स जो ये ऊपर की तरफ जा रही है शेयर फोर्स, ये टा एक्स वाई, ठीक है, ये मैं पॉजिटिव कब लूँगा इसके लिए देखते हैं। ये देखें ये एक बॉडी है, इस पर ये एक शेयर फोर्स इधर लग रही है और एक शेयर फोर्स इस तरह लग रही है, इसको भी टा एक्स वाई कहूँगा मैं, सॉरी ये टा एक्स जेड होगा, ये वाले जो फोर्स होगी यहाँ पे शेयर फोर्स लग रही होगी टा एक्स वाई, ये टा एक्स वाई होगी, ठीक है। अब आप देखें ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी कि ये टा एक्स वाई दोनों मिल के हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह की, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है टा एक्स वाई को नेगेटिव लेते हैं हम, तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी टा एक्स वाई की तो ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाएगा, बस ये दो चीज़ें हैं। और प्लेन स्ट्रेसेस क्या होती है, प्लेन स्ट्रेसेस ऐसे स्ट्रेसेस होती हैं जिन पे सिर्फ दो फेसेस पे हमारे पास स्ट्रेसेस नहीं होती, मीन्स के उसमें या तो सिर्फ एक्सियल फोर्स लग रही होती है, ठीक है, बिल्कुल ही सेंटर पे, तो उस पे जो होते हैं साइड्स पे इफेक्ट, दो फेसेस पे इफेक्ट नहीं होते स्ट्रेसेस के, यानी कि स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस ऐसे स्ट्रेस की स्टेट है ये इन विच टू फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूब एलिमेंट का जो होता है, यानी कि ये जो पड़ा है क्यूब एलिमेंट, इसके दो फेसेस यानी कि दो फेसेस साइड से, दो साइड्स पे एलिमेंट के स्ट्रेसेस फ्री होती हैं, यानी कि नो स्ट्रेसेस होती हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होती, यानी कि हम वो कैन से कि ये जेड एक्सिस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू जो होती हैं वो जीरो होती हैं, जब जेड एक्सिस ही नहीं हम कंसीडर कर रहे, कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो फिर उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस वगैरह जीरो आएंगी, तो प्लेन स्ट्रेसेस उनको कहते हैं जिन पे दो फेसेस यानी कि किसी भी एक एक्सिस जीरो हो जाए, ठीक है, कंसीडर करने वो कैसे, तो उस पर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो हो जाती है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अकर ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन पे अकर होते हैं ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती हैं, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम कहते हैं कि नॉर्मल, इस पे शेयर स्ट्रेस जो होती है शेयर स्ट्रेस वो जीरो होती है, यानी कि वी कैन से टा जो की वैल्यू होती है वो जीरो होती है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे, जबकि इस पे नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी याद रखना है प्रिंसिपल प्लेन पे, ठीक है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का ये देखें, अब ये मोहर से हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसको हमने देखना है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैक्सिमम, अगर हमने नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है शेयर, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने का जो है फार्मूला वो ये है, ठीक है। तो चलिए अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारे पास मेन हमें मोहर सर्कल ड्रा करना है, हमें स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कैसे होती है। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन जो होगा वो
नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग द वाई एक्सिस और टा जो की वैल्यू होगी शियर स्ट्रेस अलोंग एक्स वाई की वन है फर्ज कर लें। ठीक है, इस तरह ही की वैल्यूज गिवन होंगी, वो हमें पूछेगा, डिमांड करेगा कि फ़लाँ एंगल यानी एंगल 30 फर्ज कर लें, अज्यूम कर सकते हैं कि इतने एंगल पे अगर हम एक क्यूब है हमारे पास, फर्ज करें ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब पे जो नॉर्मल लगेगी एक फेस पे वो ये एक्स के अलोंग वो नॉर्मल एक्स एक्सिस अलोंग हो जाएगी और जो वाई के अलोंग लगेगी परपेंडिकुलर वो नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस और इसके जो शेयर लगेगी वो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, मीन्स कि ये इस तरह, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं टा एक्स वाई, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यूज गिवन है, वो कहता है अगर आप इसको रोटेट करें, मींस के ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस वाई एक्स और वाई एक्सिस को आप रोटेट कर रहे हैं अब यूँ, ठीक है, कितने एंगल पे, पहले से ये 30, पहले यहाँ था वाई और एक्स यहाँ था, तो ये कितने एंगल रोटेट किया मैंने 30, ठीक है, अब एक्स यहाँ आ गया आपका, एक्स डैश कर दें इसको, एक्स कह दें, तो 30 एंगल पर रोटेट करेंगे तो फिर इन पे जो वैल्यूज़ आएंगी यानी कि मींस के एक्स, अब एक्स डैश बार की वैल्यू फाइंड करेंगे हम और समेशन नॉर्मल अलोंग दी वाई बार के और इसी तरह टा एक्स वाई बार, ठीक है, तो ये न्यू एक्सिस में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी इतने एंगल पे जब हम इसको रोटेट करेंगे, तो वो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे उसको। तो वो देखते हैं कैसे, ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, हमें दो पॉइंट्स चाहिए अगर हम ग्राफिकली ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ग्राफ है, पेपर है, ग्राफ पेपर पे हम यूँ ड्रा कर लेंगे, इसके अलोंग हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी और इस पे हमारे पास वर्टिकली जो होंगी वो टा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स हम लेंगे, एक एक्स पॉइंट होगा और एक वाई पॉइंट होगा। एक्स पॉइंट में पहली वैल्यू जो होती है वो समेशन एक्स होगी और इसमें समेशन वाई होगी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू दोनों में सेम है टा एक्स वाई, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे नेगेटिव आता है एक्स की वैल्यू में, एक्स पॉइंट में यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे, एक्स पॉइंट लगा लेंगे, फर्ज करें ये एक्स पॉइंट आ रहा है, एक्स समेशन एक्स समथिंग ये समझ ले 50 है और इसको आप -80 ले लें, ठीक है, और -50 ये बन रहा है तकरीबन यहाँ, ये 50 है फर्ज कर लें और यहाँ से ये अपवर्ड जो जा रही है वैल्यूज़, ये 80 यहाँ बन रहा है और इसका 80 यहाँ बन रहा है, तो आप क्या लेंगे, ये देखें 50 समेशन एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, 50 पॉइंट ये हॉरिजॉन्टली समेशन एक्स यहाँ आ जाएगा और -80 नेगेटिव की साइड पे जाएगा डाउनवर्ड, -80 ये पॉइंट बन रहा है तो ये एक्स पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह आप वाई का पॉइंट लेंगे, फर्ज करें ये समेशन वाई की वैल्यू दी हुई है 40 जबकि ये दी हुई है ये वही 80 ही रहेगी, ठीक है, सेम, तो ये पॉजिटिव में है। आप अपवर्ड साइड पर जाएंगे, अपवर्ड ये 80 है और 40 कहाँ है ये तो ये पॉइंट आ गया वाई, ठीक है, ये वाई पॉइंट है हमारा 40 और 80 पे, तो इसको और इसको मिला लेंगे पॉइंट को, दो पॉइंट लग गए इसको मिला लेंगे, दूसरा स्टेप क्या है लाइन पॉइंट्स को मिला लेंगे, तो इसको हम इस लाइन को रोटेट कर देंगे, इसका सेंटर फाइंड करके उस सेंटर पे हम कंपस रख के इसको यूँ रोटेट कर देंगे तो एक सर्कल हमारे पास मिल जाएगा यूँ हमें, ठीक है, ये हमें एक सर्कल इस तरह का मिल जाएगा, हमारे पास सर्कल मिल जाएगा। अब हमने इसको रोटेट करना है कितने एंगल पे, ये हमारे पास जो मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी, यहाँ तक की वो हमारे पास आती है समेशन मैक्सिमम और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम, ठीक है, समेशन मिनिमम इस पॉइंट पे, इधर मैक्सिमम और इधर जिधर मैक्सिमम होगी वो कौन सी एक्सिस होंगे, हमने अभी बात की, वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, जो स्ट्रेसेस मैक्सिमम और मिनिमम है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं हमारे पास और वो किस पे लाई करती हैं, प्रिंसिपल प्लेन पे, तो ये प्रिंसिपल प्लेन हुआ हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं वो कहाँ पे आएंगी, वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी टॉप पे, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारे पास शियर स्ट्रेस जीरो होगी प्रिंसिपल प्लेन पे, हमने अभी बात की, ठीक है, तो ये हो गया, ये मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू और रेडियस क्या होगा इसका, इस सर्कल का रेडियस आपको पता है ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है, तो आप ये ग्राफिकली करेंगे तो आप ये रेडियस मालूम करके उसे बता सकते हैं और रेडियस भी बताना पड़े पूछेगा कभी अगर, तो समेशन मैक्सिमम भी बता सकते हैं और जिस पॉइंट पे पूछा है वो आप यहाँ पे इसके सेंटर पे वो रखेंगे डी रखेंगे अपनी और यहाँ पे 30, यहाँ 30 एंगल है, अगर ये एंगल अगर 30 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा इसका, यानी कि 2 × 30 वो 60 के एंगल पे आप रोटेट कर देंगे इसको, तो इस पॉइंट पे समेशन एक्स और टी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
तो वो हमारे पास उस एक्सिस में होंगे जिस पे वो फाइंड करने की पूछ रहा है। ये हमारे पास मैक्सिमम आ गई। इसी तरह हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं और इसको 60 एंगल पे रोटेट करके इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस वगैरह के। ठीक है, ये तो हो गई कि रोटेट ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकली ईजी है काफ़ी मेथड। अगर आप उसके दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी है फार्मूलोज के ज़रिए, तो फार्मूले आप यूज़ करेंगे उसमें। आपने ये देखें, अगर वो आपका पूछता है एंगल, ठीक है, तो ये देखें एंगल के लिए फार्मूला है हमारे पास ये थीटा पी। ये जो एंगल है वो याद रखेंगे टू थीटा पी होता है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल टू थीटा पी होता है। तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे यहाँ से, टेन टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टा एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग दी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आ गई। अब इसी तरह ये नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला है हमारे पास। मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव लगा देंगे, अगर मिनिमम फाइंड कर रहे होंगे तो माइनस लगा देंगे। फार्मूला सेम रहेगा ये, ठीक है, दोनों केसेस के लिए। तो इनसे आप ये, अगर आप ड्रा नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट इनसे भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हमारे पास अचीव होंगी। तो ये ग्राफिकली मेथड है, ये हमारे पास थ्योरेटिकली है। और इसमें टा मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो भी हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस का फार्मूला भी यही है। ठीक है, टा मैक्सिमम और रेडियस का फार्मूला सेम है। ठीक है, ये हम सारी इस तरह वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करेंगे तो हम इजीली मोर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, लोकेट दी एक्स और वाई पॉइंट। लोकेट करेंगे हम ग्राफ पे कि एक्स और वाई पॉइंट हमारे पास क्या है। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एक्स, ये इससे समेशन एक्स एक पॉइंट आ जाएगा और दूसरा पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे अलोंग वाई एक्सिस, वो माइनस टा एक्स वाई से, और इधर वाई के जो पॉइंट्स होंगे वो समेशन सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग दी वाई एक्सिस और टा एक्स वाई से आ जाएंगे। दो पॉइंट आ गए, लोकेट कर लिया इसको हमने, फिर उसको लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, दो पॉइंट्स को मिला देंगे, एक लाइन अचीव हो जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद उन लाइन का सेंटर फाइंड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टू पे, उसकी जो मेजरमेंट्स होगी उसको हाफ करेंगे तो सेंटर अचीव हो जाएगा हमारे पास। तो मेक फिर उस सेंटर को हम उस सेंटर के मुताबिक हम उस पर कंपस रख के सर्कल एक ड्रा कर लेंगे। मेक अ सर्कल कंसीडरिंग अ सेंटर ऑफ लाइन वही ड्रा अर्लियर। ठीक, और इसके बाद रिक्वायर्ड एंगल अचीव हमारे पास। फिर मेन हमारे पास तो अचीव हो गया, सर्कल आ गया। अब उसके बाद वो पूछेगा क्वेश्चन में जो पूछा हुआ मेन कि इतने एंगल पर रोटेट करें, तो उसका आप डबल करेंगे, उस एंगल का डबल करेंगे यानी थीटा पी का डबल करके वो एंगल ड्रा करेंगे। ये आपके पास इस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे एक्सिस को, ठीक है, रोटेट करेंगे। तो रिक्वायर्ड एंगल आप रोटेट करेंगे, रिक्वायर्ड एंगल अचीव हम कर सकते हैं। ठीक है, एंगल मिल जाएगा हमारे पास रोटेटेड एंगल। फर्ज करें रोटेट किया तो यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एंगल टू थीटा पी है, तो ये आ गया हमारे पास एंगल। अब हमारे पास वैल्यूज़ इस एंगल पे हमें चाहिए, कौन सी वैल्यूज़, थीटा एक्स बार की, यानी कि इस, अब ये एक्सिस है रोटेटेड है एक्सिस है, तो ये एक्स बार हो गया ये एक्सिस, तो इस पे जो वैल्यू आएगी समेशन एक्स बार की वैल्यू आएगी रोटेटेड एक्सिस पे। ये बार हम क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब ये रोटेट कर दिया हमने एक्सिस, उस पर हम वैल्यूज़ न्यू वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स बार की वैल्यू समेशन एक्स बार की और वैल्यू इसमें और टा एक्स वाई बार इसमें भी बार आ जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगी, वाई के लॉन्ग भी और एक्स के लॉन्ग भी। ठीक है, तो फिर न्यू रोटेटेड एक्सिस पे हमें इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। यही हमारी हमारा एम था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था हमारा। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली मोर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।